मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार शिवपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने निर्माणाधीन मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज का निरीक्षण किया और उसे जल्द से जल्द बनाने का अधिकारियों को निर्देश दिया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए सिंधिया ने राफेल विमान खरीद को सुरक्षा क्षेत्र का बड़ा घोटाला बताया। उन्होंने बताया था ना एनकेपीसी ने, बताइए। रावेल सबसे बड़ा घोटाला है देश की आंतरिक सुरक्षा के आधार पर। जो राहुल जी के प्रश्न थे उस पर निरुत्तर दोनों वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों निरुत्तर रहे थे, एक भी प्रश्न का जवाब नहीं मिल पाया कि सौदे को परिवर्तन किसने किया। 126 से 36 एयरक्राफ्ट, अगर आप कह रहे हैं कि आपत्तिकाल वातावरण था जहां खरीदना पड़ा हम लोगों को जहाज, तो आपने 126 से 36 तक क्यों लाया? उन्होंने बताया था ना एनकेपीसी से।